बिग बॉस 13 के घर में जहां एक तरफ सभी ग्रुप्स बन चुके हैं जिसके अंदर रश्मि देसाई और सामने वाली पार्टी में आपको नजर आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का ग्रुप। आपको बता दें कि अब वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने ही वाली है। ये सभी सीक्रेट रूम में बैठकर इन सभी को अभी नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनका गेम प्ले कैसा है। तो वहीं पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक टास्क दिया गया है घर वालों को, जहां पर सभी घर वालों को फूड डिलीवरी करनी है और इसका संचालक बनाया गया है रश्मि देसाई को। रश्मि देसाई अपने मन से अब इस गेम को पलटती हुई नजर आ रही है और सभी जो घर में सीक्रेट रूम में बैठे हैं यानी कि शैफाली, जरीवाला और तहसीन पूनावाला आप लोगों को सीक्रेट रूम में नजर आएंगे, जहां पर रश्मि देसाई अपना गेम चेंज करती हुई नजर आएगी और चेंज करती हुई नजर आएगी फूड डिलीवरी गर्ल्स को, जो कि खाना डिलीवर नहीं कर पाएंगी। और इस बार भी इस टास्क में आप लोगों को कुछ अलग ही नज़र आने वाला है। अब तक के बिग बॉस के हर टास्क में सीधा सिंपल कोई भी टास्क नहीं हुआ है बिना किसी ट्विस्ट के, जो कि घर वालों ने खुद ही डाला है और इसी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा शामत भी आ सकती है वीकेंड का वार पर। और यहाँ पर लेकिन रश्मि के गेम को सभी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग से खेलती हुई अब नज़र आ रही है और वो साफ कहती हुई नज़र आ रही है कि मैं यहाँ पर गेम खेलने आई हूँ और मैं ऐसे ही खेलती रहूँगी। और यहाँ पर सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, खासकर कि आरती सिंह को। और देखते हैं कि इस बार रश्मि देसाई अपना क्या माइंड गेम लेकर फिनाले में पहुंच पाएंगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल खेलो खेलो को, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले।